मुसलमान सिख ईसाई सारे मजहबों के मानने वाले लोग इस डाइस पे मौजूद हैं। ये इस भारत की रायपुर की छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है और कोई कितनी भी कोशिश कर ले इस भाईचारे को कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। इन तमाम लोगों का इस्तकबाल होगा। मैं इस्तकबाल के लिए जय जोहार संगवारी हो, आप मन देखा था न्यूज 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं न्यूज 72 की टीम रायपुर के ग्रास मेमोरियल मैदान में पहुंची हुई है, जहां पर दावत रोजा इफ्तार का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कार्यक्रम में मुख्य रूप से पहुंच रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है रोजा इफ्तार का। यहाँ पर ग्रास मेमोरियल लचालच भरा हुआ है और कुछ ही देर में इमरान प्रतापगढ़ी भी यहाँ पे पहुंचेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी आज हमारे मेहमान खुसूसी है और हम उनसे जलवा फरोज होंगे, रूबरू होंगे और सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा स्टेज से नीचे अफ्तारी के लिए चले। आज पेश कर रहे हैं इस्तकबाल के लिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल हो रहा है। सभी मेहमानों का हार से, फूलों के हार से इस्तकबाल किया जा रहा है। आली जनाब एजाज ढेबर साहब, उनके साथियों और छोटा पारा बैजनाथ पारा जमात की जानिब से और तमाम मुस्लिम समाज की जानिब से इस्तकबाल का एहतमाम किया जा रहा है। इधर हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब इमरान प्रताप गढ़ी, तमाम मेहमान गिरीश दुबे साहब, कामरान अंसारी साहब, चंदन यादव साहब, विकास उपाध्याय साहब, बंटी होरा साहब, सुबोध हरिपाल साहब और हमारे असलम खान साहब, आली जनाब कामरान अंसारी साहब, इन सब का इस्तकबाल जमात की जानिब से किया गया है। हम अब बढ़ाते जाओ इधर, हेलो हेलो बढ़ाते जाओ इधर, हाँ दे भाई और दे दे लो लो भाई, पानी भेज दो पानी। हेलो हेलो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपने साथी एजाज ढेबर साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि रमजान के इस मुकद्दस मौके पर उन्होंने एक रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इन्होंने जब मुझे दावत दी कि आपको रायपुर आना है तो मैंने इनसे कहा कि रमज़ान में सफ़र बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनकी ज़िद ऐसी थी और बैजनाथ पारा के लोगों की मोहब्बत ऐसी है कि उसे ठुकराया नहीं जा सकता था। और यहाँ आकर के आप सबसे मुलाकात करके, आपके साथ ज़मीन में बैठ के रोज़ा इफ्तार करके जो दिली सुकून हासिल हुआ है उसके लिए अपने तमाम बड़ों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ बैठे हुए हमारे डीसीसी गिरीश जी, हमारे स्टेट चेयरमैन अमीन मेनन साहब, विकास जी, सुबोध हरितवाल जी, हमारे बाकी जो साथी यहाँ बैठे हैं, मैं सबका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ। इस तरह की महफिलों की मुल्क को बहुत ज़रूरत है।
एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी तहजीब जो लोगों को दिलों से दिलों को जोड़ती है, वो दरअसल हिंदुस्तान की असली तहजीब है, हिंदुस्तान की असली परंपरा है। कि नवरात्रि का कोई व्रत हो किसी हिंदू भाई ने रखा हो तो हम उसके साथ उसके व्रत में साथ बैठ जाएं। रमजान के रोजे चल रहे हैं, इफ्तार के वक्त हमारे हिंदू भाई रोजों के तमाम में हमारे साथ बैठे, हमारे साथ अफ्तारी करें। यही तो हिंदुस्तान है। मैं पिछले दिनों जब रायपुर आया था तो मैं सुबोध का डांडिया का प्रोग्राम था, तो मैं उस कार्यक्रम में गया और मुझे लगा कि पहले जो हिंदुस्तान में तहजीबी तौर पर एक दूसरे को जोड़ने का सिलसिला था, वो सिलसिला नफरत वाली ताकतों ने तोड़ने का काम किया है। मैं पिछले दिनों ज़कात फाउंडेशन के तालीमी मिशन के प्रोग्राम में आया था तो मुझे लगा कि रायपुर जो शहर है वो बहुत जिंदा लोगों का शहर है। वो किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के लोग हों, सामाजिक समरसता इस शहर की सबसे बड़ी पूंजी है और यही भारतीय जनता पार्टी को खलती है। हालांकि इस मंच से आज हमें कोई सियासी बातचीत नहीं करनी है, बस आपसे इतना कहना है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनके मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और एजाज भाई को फिर से एक बार मुबारकबाद दूंगा। सबसे पहली बात तो रोजा अफ्तार की किसी महफिल का एहतमाम करना, सबसे बड़ी बात तो खुदा के नजदीक सवाब का काम है,